होल मेडिकल कम्युनिटी सो वैक्सीन शुड भी टेकन बिल्कुल लेना चाहिए पाल्पिटेशन गोइंग हाई वेन एंगर इवेंट पाल्पिटेशन हाई दैट इज एंजाइटी उसके ऊपर अलग वर्क करना चाहिए और वैक्सीन बिल्कुल लेना चाहिए वैक्सीन लेने से दो तीन दिन दिक्कत रहती है बॉडी में दैट इज अ साइन दैट वैक्सीन इज वर्किंग ओके ब्लड प्रेशर इंक्रीजिंग वाई डूइंग पुशअप एंड वेट लिफ्टिंग दैट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर शुड इंक्रीज वाइल डूइंग वेट लिफ्टिंग एंड डूइंग एक्सरसाइज वो एक सौ अस्सी तक भी जा सकता है दो सौ तक भी जा सकता है आपको ये देखना है आप जब रेस्ट करते हैं आधे घंटे पंद्रह मिनट दो चार मिनट दस मिनट में पंद्रह मिनट में आपका बीपी नॉर्मल होता है कि नहीं होता है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है आप ऐसा करिए एक बारी जितने लोग आपके पास में पुशअप्स और वेट लिफ्टिंग करते हैं उन सबका बीपी चेक करके देखिएगा सबका बड़ा हुआ आएगा तो आपको लगेगा ओके आई एम नॉर्मल ओके ओके रविश कुमार माय मदर सिस्टोरिक ब्लड प्रेशर इज हाई बट डायस्टोलिक इज लो व्हाट वट कॉज इज्लस्टोरिक ब्लड प्रेशर लो लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज वन ऑफ द बेसिक रीजन लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड अगर वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम लो है तो सिर्फ हार्ट के पावर के वजह से एक सिस्टोलिक आ जाता है उसके बाद जब हार्ट का पंपिंग पावर खत्म हो जाता है उस सेकंड के लिए बिकॉज वॉल्यूम कम है ब्लड का सो इट बिकम्स उसके अंदर इशू सो so, पानी ज़्यादा पीजिए थोड़ा नमक देख लीजिए आपका इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए रादर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ओके आयुर्वेदिक वीडियो बोलते हैं अर्जुना छाल पाउडर फॉर हार्ट रिलेटेड डिजीज ऑल्सो द्लेम अर्जुना पाउडर यूज रिड्यूसिंग ब्लैक इन आर्टरीज इज इट करेक्ट इन एनी वन ऑफ द हार्ट रिलेटेड डिजीज कैन टेक एडवाइस फ्रॉम आयुर्वेदा डॉक्टर प्लीज गाइड सो देखो ऐसा है बिल्कुल अर्जुना जो है वो देखो ऐसा है जब हम बात करते हैं ना कि हमने कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा बनाई है तो कहाँ से बनाई है वो आसमान से उठा के लाई है या फिर कहीं और से बनाई है ऐसा तो है नहीं आयुर्वेद में ही जो जड़ी बूटियों में जैसे अर्जुन की छाल में थोड़ा सा ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी है ठीक है थोड़ी सी ब्लड थिनिंग की प्रॉपर्टी उसमें देखी जाती है सो तो अगर हम उसको लेते हैं तो जो हमारी गोली है उससे थोड़ा सा उससे कम असर पड़ता है ब्लड थिनिंग का ऑब्वियसली जो गोली होती है वो ज्यादा हैवी होती है बिकॉज हम कॉन्सेंट्रेट करके उसके अर्क निकाल के एक गोली में उसका एम बना देते हैं पचहत्तर एम की इकोस्प्रिंट डेढ़ सौ एम जी की इकोसप्रिट एर कोलेस्ट्रॉल की दवा चाल दस एम जी पचास एम जी चालीस एम जी वट एवर सो ऐसे ही नेचुरल चीज का बिल्कुल इफेक्ट है दैट डज नॉट मीन द प्रॉब्लम विद आयुर्वेदा के जो लोग हैं कि उनके क्लेम बड़े खतरनाक होते हैं क्लेम ऐसे खतरनाक हो जाते हैं कुछ लोग जबरदस्ती अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए कि भाई हम हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा और अटैक चलते हुए खून की नसें खुल जाएंगी और पूरी खून की नसें खत्म हो जाएंगी वो बकवास है तो बिल्कुल अगर आप लेना चाहते हो अर्जुन की छाल पाउडर हार्ट रिलेटेड डिजीज के लिए तो एज अ थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉलिंग थोड़ा सा खून पतले करने का इफेक्ट है उसमें सो ले सकते हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है मगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर आपसे कहता है कि आपकी खून की नसें इवन आयुर्वेदिक छोड़ो एलोपैथिक डॉक्टर अगर आपसे कहता है मैं बोल रहा हूं एलोपैथिक डॉक्टर आपसे कहता है कि आपकी खून की नसों में अस्सी नब्बे परसेंट ब्लॉकेज है ये दवा लोगे तो पूरा ब्लॉकेज साफ हो जाएगा तो वो डॉक्टर आपको उल्लू बना रहा है चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो, वो एलोपैथिक हो चाहे वो किसी प्रकार का पैथिक हो क्योंकि वो चीज कुदरत ने ऐसी बनाई है और नहीं निकल सकती ठीक है कुदरत का सिस्टम है जो सिस्टम है वो सिस्टम है उसके लिए आप नेचुरल बाईपास वाला मेरा वीडियो देखो उसको समझ में आएगा आपको ऑल राइट ऑक्सीजन लेवल डस क्लबिंग ऑकर्स ऐसा कोई फिक्स चीज नहीं है बिकॉज़ दिस गाइस आस्किंग अबाउट क्लबिंग विशाल जहां तो मैं बता दूं उंगलियों के जो बोटे होते हैं व्हाटएवर यू कॉल द ऐसे इसको कोने वाली चीजों को ये जब फूल से जाते हैं क्लबिंग में ये होता है जैसे फूल फूल से जाते हैं तो आ, क्लबिंग की फोटो दिखा देते हैं क्लबिंग ये ऐसे बोटे हो जाते हैं आई होप दिख रहा है ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं क्लबिंग में तो ये जो फोटो है, अरे रे, अरे रे, अरे रे ठीक है ये मोटे मोटे हो जाते हैं तो दैट इज क्लबिंग सो ऐसे चीज में जो ऐसी चीज जो क्यों होती है बिकॉज ऐसे में जिन लोगों के अगर लंग्स में इशू है तो बॉडी क्या करती है कोने कोने तक ऑक्सीजन सप्लाई उतना अच्छा नहीं जाता सो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स कई सालों में महीनों में धीरे धीरे वहाँ पर स्वेलिंग आने लगती है बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल सो इस क्लबिंग का वन ऑफ द रीजनस इज कोई स्मोकिंग हो गया लंग की कोई क्रोनिक बीमारी हो गई इस प्रकार की चीज़ें सो so, ऐसा कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि रहे ऑक्सीजन लेवल पे क्लबिंग होगा बट इसके लिए आप लंग का इवेल्युएशन करें ऑल सो right, so... यंग अडल्ट में ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उनको कारण ढूंढना चाहिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग ऑन मेडिकेशन कारण ढूंढिए एंड लाइक का बटन जरूर दबाइए और राइट सो घर में चार पर्सन को हुआ पांचवा वेरी माइनर को हुआ सब ठीक है छह दिन से सिम्टम्स कंप्लीट किचन का नॉर्मल वर्क कब से कर भाई साहब इस वाले वायरस में आपको ऐसी बातें नहीं करनी है ठीक है किचन का नॉर्मल वर्क आप कर सकते हैं जाओ करो तीन चार दिन का जो बीमार हो गया है उसको सात दिन का फिर भी आइसोलेशन बोलते हैं लेकिन अगर जितने लोग बीमार है चार लोग बीमार है घर में तो ऑब्वियसली सारे मिलकर रह सकते हैं मिलकर खा पी सकते हैं है, है कि नहीं सो so, एक आदमी बीमार हुआ तो उसको साइड में कर सकते हो आप बाकी की जरूरत नहीं है डोंट वरी अबाउट इट ओके इस वाला वायरस इतना कोई खतरनाक नहीं है किचन में ब्रीथ करे तो पूरी आइटम कंटेमिनेट हो जाते क्या हाव बिल्कुल किचन में ब्रीथ करे तो पूरी आइटम बिल्कुल कंटेमिनेट हो जाता है तभी तो आइसोलेट करते हैं है, है कि नहीं और राइट सर आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ब्लड प्रेशर आफ्टर कोविड बिफोर दैट वाज नॉर्मल 140 बाय 100 केम डाउन टूटी नाइनटी मेडिसन्स इन सर मुझे यह पूछना है क्या मैं रनिंग कर सकता हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी इफ हार्ट रेट इंक्रीज वाइल रनिंग इंडियंस इंडियन भाई साहब बिल्कुल आपको रनिंग करने की सख्त जरूरत है आप रनिंग करेंगे तो आपका हार्ट रेट ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होगा आपका और दवाई की आवश्यकता कम होगी मेरे भाई जाके रनिंग करो रनिंग करते वक्त अपना ब्लड प्रेशर नहीं देखना हार्ट रेट नहीं देखना रिलैक्स करना है रनिंग करनी है ओके रनिंग करने के बाद आराम से बैठो डीप ब्रीदिंग करो फिर अपना हार्ट रेट ब्लड प्रेशर देखो आराम से नॉर्मलाइज हो जाएगा एनिंग लॉन्ग साइड लॉन्ग टर्म एवरी मेडिकेशन हैज साइड इफेक्ट्स सैयद जुबैर नेविबलॉल से बीपी ज्यादा लो हो सकता है चक्कर आ सकते हैं और हार्ट रेट ज़्यादा लो हो सकता है एम्लोडिपिन से पैरों में सूजन आ सकती है बहुत कॉमन सी एक साइड इफेक्ट बता रहा हो ऐसे दस साइड इफेक्ट्स और हो सकते हैं जो सब में नहीं होंगे कुछ लोगों में होंगे सो दैट इज द जॉब ऑफ अ डॉक्टर और आपका काम है अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो डॉक्टर से बात करें कि सर ये हो रहा है क्यों हो रहा है मेरी दवाई देख लो कहीं दवाई तो नहीं बदलनी छोटू शाम कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट की नसों में को

रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी तो कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट के अंदर दिक्कत आना यानी कोई भी दिक्कत आना मसल को तो कार्डियोमायोपैथी उसके ऊपर हमारे दो चार वीडियोस हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पे हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी एलवीएच पे उसको जाके देखो मेरे मदर बलजीत सिंह मदर को बी कम होकर साठ पे आ जाता है हॉस्पिटलाइज करने के बावजूद सेम प्रॉब्लम बार बार आ रही है अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई ओहो बीपी के इतने कम होने का क्या कारण हो सकता है अगर बीपी इतना कम हो रहा है दैट हार्ट इज फेलिंग ठीक है बीपी कम होने का मतलब है हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है दैट इज कॉल्ड शॉक ठीक है अब हार्ट ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है हो सकता है कि हार्ट को खुद ही अटैक आया है ठीक है हार्ट अटैक आ रहा है तो हार्ट कमजोर हो रहा है हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है और बीपी कम हो रहा है हार्ट अटैक हो सकता है या फिर पूरे बॉडी में कहीं पे सेप्सिस हो सकता है अगर कहीं से ब्लीडिंग हो जाए वो पूरा एक सर्किट है हार्ट का पंप करता है वापस ब्लड आता है बीच में कट जाए कहीं पे, और क्या होगा हार्ट, हार्ट ब्लड, कम, 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 कम ब्लड खत्म हो जाएगा नहीं बाहरी सारा निकल जाएगा और हार्ट के पास ब्लड आएगा नहीं ब्लड प्रेशर आएगा नहीं सेम वे अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए सेप्सिस हो जाए आपके पूरी बॉडी में सेप्टिक शॉक हो जाए वो सेप्टिक शॉक का मतलब होता है खून की नसें जो होती हैं पोरस हो जाती हैं उससे खून ऐसे खून छन छन के बाहर हाथ पैर सूझने लगते हैं सारा पानी हाथ पैरों में आने लग जाता है तो फिर से वही होगा हार्ट तो सही काम कर रहा है उसके पास ब्लड ही नहीं आएगा प्रॉपर वॉल्यूम ही नहीं आएगा फिर बीपी कम हो जाएगा तो इस प्रकार के कई रीजंस होते हैं तो हमें ये देखना होता है जैसे आप अस्पताल लाते हैं कि क्या हो रहा है हार्ट अटैक तो नहीं है सेप्टिक शॉक है ब्लीडिंग तो नहीं है क्या हो रहा है पेशेंट का बीपी क्यों कम है और वो उसी समय पकड़ में आ जाए तो पेशेंट को बचाया जा सकता है नहीं पकड़ में आए कई बार तो नहीं पता चलता क्या हुआ एम सॉरी फॉर यॉस ओके भरत कौशल प्लीज मेक अ वीडियो ऑन एल पी ए नाउ एल पी ए किस एल पी ए थोड़ा फुल फॉर्म भी लिख देते भैया uh, क्या है टाइप टू डायबिटीज ओके टाइप टू डायबिटीज की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्या जी हाँ बी डायबिटीज एक आपके खून की नसों में अगर शुगर ज्यादा रहेगी तो अल्टीमेटली आपकी मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होती है अल्टीमेटली मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की एक चीज़ होती है डायबिटीज के वजह से लंबे समय तक डायबिटीज अनकंट्रोल रहने के वजह से खून की नसों की इलास्टिसिटी कम होती है उसके अंदर कंप्लायंस कम होती है और ब्लड प्रेश ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जरूरी नहीं है सबका ही बड़े बढ़ने के चांसेस होते हैं सेम वे कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने के चांसेस हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, डायबिटिक्जली पी एक सो पचास नब्बे तक नॉर्मल है या ज्यादा गुड प्रेस एम से मैनेज कर रहे हैं नहीं सीओपीडी हो या कोई भी बीपी कोई भी पुरानी दूसरी तीसरी बीमारी हो कोई भी बीमारी कोई भी उम्र लोग कहते हैं इस उम्र में तो चलता है एक नहीं चलता ठीक है किसी उम्र किसी भी बीमारी में किसी भी उम्र में आपका ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर नहीं होना चाहिए अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 सौ तीस बटा नब्बे से ऊपर है तो फिर आपको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है चाहे दवा लो दवा बढ़ाओ या आपने डॉक्टर से बात करके अल्टरनेट चीजें देखो कि क्या किया जा सकता है बीपी को कम करने के लिए राइट वट कॉड इज ब्लड प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज निशा जी यही तो सारा खेलकूद है एनी यू डू विल इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर आप खड़े होते हो चलते हो उठते हो बैठते हो चिल्लाते हो खाना खाते हो बीपी बढ़ेगा राइट सिर्फ सोते हो रिलैक्स करते हो डीप ब्रीदिंग करते हो लंबी सांस लेते हो तो हार्ट रेट तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम होगा दैट्स हाउ इट इज सिस्टम डेढ़ साल बच्चा अगर ओमिक्रॉन में इंफेक्शन हो जाए तो क्या करे डेढ़ साल कुछ नहीं करे सिर्फ पैरासिटामॉल देंगे आप और पानी पिलाएं बच्चे को डेढ़ साल के बच्चे को दूध पिलाएं पानी पिलाएं और एक पेडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करके रखें दो चार सवाल बचे हैं बस अः uh, मेरे बेटे की उम्र अड़तीस साल है उसे पिछले एक वर्ष शरीर के चिपचिटियां सी लगती हैं जब वो धूप में निकलता है और खाना खाता है ऐसा लगता है ऐसा लगता, लगता है बहुत परेशान हो जाता है इसको एक वर्ष पहले डेंगू फीवर हुआ था क्या करें आ, उसके चमड़ी का बीमारी लग रही है उसे पानी ज्यादा पिलाइए ड्राई स्किन होगी तो ड्राई स्किन केयर सही करिए अच्छे से दो बार दिन में मॉइस्चराइजर लगाइए और खाना खा नहाते समय नहाते समय उसकी बाल्टी में बेकिंग सोडा का एक चम्मच बेकिंग सोडा डालिए उसे पानी ज्यादा पिलाइए मॉइस्चराइजर लगाइए आई थिंक इतने से काम हो जाएगा और बी ट्वेल्व का एक बार टेस्ट कराए बी कॉम्प्लेक्स का मेडिकेशन शुरू करें अस जावेद पूछ रहे हैं जावेद भाई साहब पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं जावेद पूछ रहे हैं अम्मी जान को एक साल से सर्दी है बुखार है बुखार तो ठीक हो गया बट सीवियर वीकनेस कफ़ है जॉइंट पेन है अब वो बी पी सडनली उनका लो हो तबीयत ख़राब हो जाती उसकी और कोई सौ बातें को फीवर तो पहले सब काम ठीक कर लेती थी अगर वायरस की वजह से वीकनेस है बीपी लो हो रहा है तो सोल्यूशन बताएं अम्मी वैक्सीनेटेड भी नहीं है हम बहुत परेशान हैं अम्मी का सी बी चेस्ट एक्सरे और ये सारे टेस्ट कराए हैं उनका ऑक्सीजन सही है सी आर बी नॉर्मल है ई एस आर चालीस आया ई एस आर को कम होने में समय लगता है जनाबे वाली उसको छोड़ दीजिए अम्मी को जो बुखार नहीं है तो उनका बी पी बढ़ाइए उनको इलेक्ट्रॉल ओ आर एस नारियल पानी पिलाइए नारियल पानी ओ आर एस या इलेक्ट्रॉल अच्छे से दिन में दो बार पिलाइए उनका पानी की मात्रा लिक्विड की मात्रा तीन से चार लीटर कर दीजिए तो बुखार भी नहीं आएगा बॉडी भी नहीं होगा वैक्सीन लगा लीजिएगा अगली बार ऐसे क्योंकि इससे क्या होता है ज्यादा बीमारी होती है और पोस्ट वायरल इलनेसे ज्यादा देर तक तंग करती है पोस्ट वायरल सिंड्रोम नाम का मेरा पोस्ट वायरल सिंड्रोम वाली मेरा वीडियो देख लीजिए उसमें आपको मिल जाएगा कैसे ठीक करना है और भी स्टेप्स हैं हाई ब्लड प्रेशर कैसे कम करें डाइट क्या खाएं हमारी एक वीडियो है जिसे हम कहते हैं डैश डाइट डी ए एस एच डैश डाइट बाय डॉक्टर एजुकेशन ऐसा टाइप करिए यूट्यूब पे डैश डाइट ढूंढ लीजिए वो मिल जाएगी आपको उसको फॉलो करिए बीपी कम होगा नमक कम खाना है बेस और सलाद और फ्रूट ज्यादा खाने हैं बग्गा जी पूछ रहे हैं बीस साल की उम्र में कमजोरी रहती है और बाद में ताकत भी नहीं खाना के बाद ताकत नहीं रहती टेस्टोस्टिरोन भी कम लग रहा है लग रहा है का क्या मतलब है भैया है वो करो टेस्ट कराओ और बहुत ज्यादा परेशान हो सर आप बताएं परेशान कैसे भाई देखो ये होती है बीमारियां इसको होता है इवेलुएशन चाहिए तो भाई साहब आप प्रॉपर कंसल्ट करें तभी बता सकते हैं बीस साल की उम्र में ऐसा क्या है कि आपके दिमाग में प्रॉब्लम है या आपको एक्चुअली कमजोरी है वजन क्या है क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है पानी ना पीते हो सोते नहीं हो टेंशन लेके रखा है व्हाट इज द इशू सो एक बार कंसल्ट करिए हम प्रॉपर गाइड करेंगे हाउ टू क्योर लो ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर के लिए भाई साहब आपको थायराइड फंक्शन चेक कराना होगा